हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल बी एस एल देवघर में स्वागत है। चलिए आइए, आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 11 ए कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये आप लोगों का पार्ट भी है। पार्ट वन में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करा दिया था। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, बुक खोल लीजिएगा। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बेलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने किसी भी स्फेरिकल बेलून का जो दिया गया है, यहाँ जो स्फेरिकल बेलून है उसका वॉल्यूम जो है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11A पार्ट बी है बच्चों। पार्ट वन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यदि स्फेरिकल बेलून का वॉल्यूम भी मानते हैं तो गिवन दिया है dv/dt 25 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया गया है। और बच्चों रेडियस भी दे दिया गया है, रेडियस दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। निकालने बोला है बच्चों, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। तो निकालना क्या बच्चों हमें, सरफेस एरिया dA/dt बराबर पार्ट है ना, सरफेस एरिया में। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मुझे दिया गया है यहाँ पर dV/dt, जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला पुट करके कुछ ना कुछ जो अननोन चीज है वो हमें मिलेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ की होता है ना। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टी से हमें चेंज मिलता है। तो dV/dt ये भी है, तो dV/dt हो गया। 4/3 π कांस्टेंट है, आर क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3r² और क्या हुआ, dr/dt है ना। आर क्यूब का डिफरेंस क्या हो गया, 3r² dr/dt। देखिए बच्चों dV/dt का वैल्यू दिया गया है 25, ये 3 क्या हो चुका कट गया, तो 4 π r का वैल्यू दिया गया है 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आपका हो गया dr/dt। देयरफॉर बच्चों dr/dt निकाल लीजिए, dr/dt निकालना है। इधर कितना है, 25 है, और यह 25 × 4 कितना हुआ, 100 π। ये 25 × 4 100 हुआ, 100 π को इधर ले आए तो π में गए बच्चों 25 × 25 = 4 मतलब 1/4 π। dr/dt क्या निकला बच्चों, 1/4 π cm/s निकल गया बच्चों। अब हमें निकालना है चेंज इन सरफेस एरिया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमें पता है, वी नो दैट, यहां लिख लीजिएगा वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, सरफेस एरिया, सिर्फ यहाँ ए मतलब हुआ सरफेस एरिया, ठीक है। क्या था बच्चों, 4 π r² क्या था, 4 π r² आप लोगों ने क्लास 9 में 10 में पढ़ा होगा। तो फॉर्मूला होता बच्चों, अब डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ लिखिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे dA/dt है बच्चों, dA/dt। तो 4 π लिखते हैं बच्चों, अब r² को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2r और dr/dt, क्या होगा, 2r dr/dt, ध्यान दीजिएगा। तो आपका हो गया ये 4 π, ये 2 हो गया बच्चों, और r का देखिए वैल्यू दिया गया है, r का वैल्यू कितना है, 5 है। और बच्चों dr/dt का देखिए वैल्यू भी निकाल लिए हमने, 1/4 π, ये हो गया बच्चों। अब देखिए ये 4 π 4 π कट गया, तो क्या बचा बच्चों, है ना, 4 कट गया तो आपका हो जाएगा 5 × 2 कितना हो गया, आपका हो गया 10, क्या हो गया बच्चों, आपका 10 cm² / s आपका आंसर हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते बच्चों, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, गौर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चों, अ बेलून विच ऑलवेज रिमेंस स्फेरिकल, ये भी स्फेयर का सवाल है, बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, मैंने किसी स्फेरिकल बेलून में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड दर से गैस भरा जा रहा है, मतलब यहाँ भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब गिवन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन निकाल लीजिए बुक से, गिवन है बच्चों dV/dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया गया है, यहाँ रेडियस कितना दिया बच्चों 15, यहाँ भी r दे दिया बच्चों 15 सेंटीमीटर दे दिया है रेडियस, निकालना क्या है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बेलून इज इंक्रीजिंग, मैंने हमें रेडियस कैसे इंक्रीज कर रहा है वो निकालना है, यानी कि dr/dt बराबर वाट, ये ध्यान रखिए बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले लिख दीजिएगा, लेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी वी, रेडियस बी आर, वी हैव टू फाइंड dr/dt, इतना लिखने के बाद तब आप एक्टिविटी शुरू कीजिए बच्चों। अब ध्यान दीजिए v = फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना है बच्चों, तो यहाँ क्या होगा आपका dv/dt 4/3 पाई लिखे बच्चों, अब r क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या है बच्चों 3r² तो होगा ही, 3r² होगा ही, और t के रिस्पेक्ट था r को क्या होगा dr/dt होगा ना, अब ध्यान दीजिएगा dv/dt का देखिए वैल्यू दिया गया कितना, ये 900 है बच्चों, ये 3 क्या हुआ कट गया लिख दिए, ये 3 कट गया क्या बचा 4πr² देखिए r दिया है 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का अगर स्क्वायर किया जाए है ना r² तो 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 हो गया इंटू क्या हो गया dr/dt, अब 225 किधर ले आइए तो 900/225 यहाँ क्या बचा बच्चों 4π और dr/dt तो 225 से 900 को कटाएंगे 225 से कटेगा बच्चों ये 4 बार में कितना हो गया बच्चों ये 4 बार में कट गया 225 से 4 बार में कितना आता 900 ये हो गया यहाँ बचा आपका 4 इधर कितना बच्चों 4π और dr/dt ये आपका है 4 इधर निकल ये therefore dr/dt इक्वल टू क्या होगा ये 4 लिख दिए बाय में लिख दिए 4π ठीक है बच्चों ये आपका 4 कट गया आप आ गया 1π 1/2 कितना है बच्चों पाई हो गया है ना इतना सेंटीमीटर पर सेकंड आप चाहें तो पाई का वैल्यू बढ़ा दिए 22/7 यानी कि हो जाएगा 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अब 7 को 22 से बच्चों अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 0.32 क्या बच्चों 0.32 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ध्यान समझिए कंसेप्ट खाली आपको ले लेना है परीक्षा में, जो भी सवाल आएगा बनाने की कोशिश कीजिएगा है ना, मेरे YouTube चैनल विजय सरदेघर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच से शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चों द बॉटम ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक, द बॉटम ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक इज 25m/40m, एक स्विमिंग टैंक है जो रेक्टेंगुलर के शेप में है मैंने इसमें आयताकार है इस तरह से है ना, इसका लेंथ दिया है बच्चों आपका 40 मीटर
लेंथ आपका 40 मीटर है और ये ब्रॉड चौड़ा है 25 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या करा बच्चों, वाटर इज पम्प्ड इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 500 क्यूबिक मीटर पर मिनट। इसमें 500 वॉल्यूम जो है डीवी बाई डीटी 500 क्या है मीटर क्यूब पर मिनट की तरह से पानी डाला जा रहा है इस आयताकार टैंक में। 500 मीटर क्यूब पर मिनट की दर से पानी इसमें डाला जा रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है डीवी बाई डीटी। यदि दिया 500 मीटर क्यूब पर मिनट दिया गया बच्चों, तो कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इज राइजिंग। तो मैंने बच्चों इसमें पानी किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, मैंने हाइट किस दर से बढ़ रहा है निकालना है हमें। डी एच बाई डी टी बराबर वाट, मैंने हाइट में चेंज होने की रेट को निकालना है। तो लेंथ कितना दिया बच्चों, एल दे दिया है 40, बी दे दिया है 25। तो बच्चों हम जानते हैं ये क्यूबॉइड हो गया, एल बी एच जिसमें रहता है क्या होता है क्यूबॉइड होता है, हिंदी में घना बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर एल इंटू बी इंटू एच। ये बच्चों आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना है बच्चों, तो डी वी बाय डी टी, एल बी यहाँ कॉन्स्टेंट हो जाएगा और डी एच बाय डी टी। तो डी वी बाई डी टी क्या दिया गया बच्चों आपका 500 और एल का मान कितना मेरा 500 ये था, ये हो गया 40 और बी कितना है 25, ये आपका हो गया डी एच बाय डी टी। इसलिए डी एच बाय डी टी क्या था बच्चों आपका 25 × 100 1000 हो गया, 1000 को इसके नीचे ले आइए तो हो जाएगा 500 बाय कितना हो जाएगा 1000, 500/1000। अब बताइए 500/1000 काट देंगे क्या होगा 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर मिनट की दर से पानी बच्चों बढ़ रहा है, समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 9 था, क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा, बुक खोल लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा तब समझ में आएगा। क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, एक लेक में पत्थर ड्रॉप किया जाता है एंड द वेव्स मूव इन सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो पत्थर जब मारते हैं तो ऐसे गोल गोल होके क्या हो रहा है उसका वेव बढ़ रहा है, तो वेव बढ़ रहा है मतलब वेव बढ़ते जा रहा है, गोलाई बढ़ रहा है मतलब रेडियस बढ़ते जा रहा है, मतलब डी आर बाई डी टी दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द स्टैंड व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्किल सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर, और रेडियस दे दिया बच्चों 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, मैंने एरिया किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं, सर्किल दिया गया है, ये सर्किल है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ सर्किल बी आर। उसके बाद लिखते बच्चों जो गिवन में रहा है, गिवन क्या है डी आर बाय डी टी दे दिया है, कितना बच्चों डी आर बाय डी टी क्वेश्चन में दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से ये वेव बढ़ रहा है बच्चों, और आर का भी मान दे दिया हमें 7.5, क्या दिया बच्चों 7.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया किस दर से बढ़ रहा है, डी आर बाय डी टी बराबर वाट, सर्किल का एरिया है ना बच्चों। तो आपको आता ही है सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो बच्चों वी नो दैट एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी ए बाय डी टी, ये पाई उतारिए बच्चों, आर स्क्वायर को हम करेंगे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो क्या जाएगा 2r और डी आर बाय डी टी आएगा, है ना बच्चों। चलिए पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ये 2 लिखिए, r का वैल्यू क्या दिया गया है आपका 7.5, 7.5 इंटू डी आर बाय डी टी दिया बच्चों 3.5 है ना, ये 7 से काट देंगे 7 5 जा
हो गया 0.5 हो गया बच्चों। अब 22 गुना दो कितना हुआ 44, ये 7.5 गुना 0.5। बस बच्चों ये सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपको आंसर लिख देना है। किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, 44 इंटू 7.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप मिलते हैं 11A के पार्ट 3 में, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन गुड बाय बाय।